आज इस बंदे ने इतना तमाशा किया है भरी मार्केट में, जेड़ा तू ही मेरा बनाया ओ। मेरे को जैकेट लेनी है पीछे और देख दोनों ऐसे मेरे को इग्नोर मार रहे हैं। तो ये next, है अपना next, next, सारा मिनिसो का सामान। नेक्स्ट सबसे महंगा सामान दिखाती हूँ मैं। जितेंद्र गाने बंद करो। अब जाके ये बंदा नहा के आया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज अपना ना कूड़े वाला, आज क्या आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, और हमने इतना कूड़ा मतलब रख रखा ना। अब देखो ये नीचे घूम रहा है और आई होप आज ले जाए, क्योंकि मैंने जितेंद्र को बोला भी था यार मैसेज डाल दो। वैसे तो रोज ही लेके जाता है पर चला गया, वैसे तो रोज ही लेके आता है पर उसको दो दिन से पता नहीं क्या हुआ है। और अब जैसे दो दिन से आया नहीं है ना, इसलिए चला गया, क्योंकि शायद उसका फुल हो चुका है वो जिसमें लेके जा रहा है, तो हो सकता है बाद में दोबारा आएगा। बाकी अपना गोवा व्लॉग्स तो आपने देख लिए होंगे, गोवा ट्रिप हुआ हमारा ओवर। और उसके बाद तो बहुत मतलब ऐसे दो चार दिन तो लगे, जितना मतलब हम बाकी जगह घूम के आते हैं उसके बाद आने पे हमें बिल्कुल भी ऐसे डिफरेंस फील नहीं होता है। अब जैसे घूमते रहते हैं तो मतलब जैसे बहुत टाइम के बाद जाओ ना फिर लगता है कि यार अब वापस आ गए, दोबारा पता नहीं कब जाएंगे, पर हमें फील नहीं होता था क्योंकि जाते रहते थे ऐसे। पर गोवा से आने के बाद पता नहीं क्यों ऐसा लगा, फिर उसके बाद बस दो तीन दिन लगे फिर सब नॉर्मल हो गया। बाकी लेटेस्ट न्यूज ये है कि हम फिर से जाने वाले हैं एक ट्रिप पे। सो हमने काफी लंबा ट्रिप प्लान किया है, बाकी तो आपको चलो बाद में बता दूंगी ये। बाकी अभी करते हैं थोड़ा काम और बाकी ट्रिप से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। ये तो वो कोरोना वाला टाइम याद आ गया मेरे को, जो गोले के अंदर चप्पलें नहीं रखी होती सबने। अब बैग रखे हैं सबने और सब बैठे हैं यहाँ पे जैसे हम बैठे हुए हैं चेयर पे, पर एक तो हेलमेट ही रख गया है। नीचे बैठना बहुत औखा यार सर्दियों में, वो लेनी पड़ेगी, गद्दी लेके आनी पड़ेगी साथ। अच्छा दूसरा दिन, कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट तो कर दिया था पर बताया कुछ नहीं क्योंकि वर्किंग था, तो फिर वर्किंग से ज़्यादा तो यार ऐसे था मेरे को, मतलब वर्किंग भी था ही, पूरा दिन काम में निकल गया और शाम को चली गई थी मैं अपनी, मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे ब्लड टेस्ट एंड ऑल, तो उसकी रिपोर्ट्स लेने गए। सुबह हम आए थे हॉस्पिटल में, मतलब वही रिपोर्ट्स चेक करवाने के लिए, नॉर्मल रूटीन चेकअप। तो सुबह हम निकल आए थे, कितने बजे निकले होंगे जितेंद्र? सुबह हम निकले थे सवा पाँच साढ़े पाँच बजे। और भाई उस मतलब मैं इतनी कंफ्यूज थी ना कपड़ों को लेके कि मैं क्या पहनूं, वो इसलिए क्योंकि सुबह इतनी ज्यादा ठंड थी और मेरे को पता तो दोपहर को गर्मी हो जाएगी जो कि अभी हो रही है, तो सुबह ये सब पहन लिया, अब मेरे को लग रही है बहुत गर्मी। बाकी अपना मतलब हॉस्पिटल का काम तो हो गया सारा, हम लोग जा रहे हैं अभी मैं एंड जितेंद्र, जितेंद्र के टायर चेंज करवाने फाइनली, जितेंद्र के नहीं जितेंद्र की गाड़ी के टायर, मतलब हमारी गाड़ी के टायर चेंज करवाने जा रहे हैं। और चंडीगढ़ आए हुए थे तो फिर हमें ऐसे था कि मतलब ऐसे ऐसे काम जो गाड़ी से रिलेटेड होते हैं मोस्टली जितेंद्र को ऐसे होता है कि हाँ चंडीगढ़ से करवा लो। और आज मैं अपनी वो चीज लेने वाली हूँ फाइनली, जो मैंने पहले दो चार बारी कभी कहा था कि मैं अपने बर्थडे पे खुद को गिफ्ट करने वाली हूँ, फिर सोचा एनिवर्सरी पे गिफ्ट करने वाली हूँ, बट आज फाइनली वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी अगर मेरे को नहीं पसंद आए तो मैं नहीं भी ले सकती हूँ, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है। तो पहले ये काम करवाते हैं और फिर जाएंगे सीधा शॉप पे। तो यहाँ कहीं भी नानके हो सकते हैं आपके। जितेंद्र ने चंडीगढ़ में भी चालान कटवाया है। कब? याद नहीं आपको चंडीगढ़ में कब कटवाया हमने चालान? ऐसे ही जा रहे थे लाइटें क्रॉस करके, नहीं कटवाया। वो कंफ्यूजन हो गई थी ना कि लाइटें क्या हो रहा था, वो रेड से नहीं ग्रीन से वो रेड जस्ट होने वाली थी, येलो हुई थी और उतने में जितेंद्र कंफ्यूज होके लाइटें जंप कर गए थे। हाँ आ गया याद, वो पुरानी गल है, उदो ते पहली गड्डी हुंदी सी। अच्छा और हम लोग अभी जो टायर चेंज करवाने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं सेक्टर 22C। बस ऐसा ना हो क्योंकि जहाँ पे भी ये गाड़ियों वाला काम होता है वहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका होता है, स्पेशली वीकेंड्स पे। नॉर्मल मार्केट है वो, ठीक है मेरे को लगा था, नहीं तो वो कौन से मार्केट में जाते हैं जहाँ पे पूरी मोटर मार्केट है ये चंडीगढ़ में, 28 में वहाँ पे तो बहुत ऐसे रश होता है, तो अच्छी है बट रश बहुत होता है वहाँ पे, सारी जरूरत की चीजें मिलती है। कुछ काम करवाना है ना, हाँ उस मार्केट से मैंने आज तक कुछ नहीं लिया, पता कौन सी मार्केट? वो वाली 28 वाली से। आपने स्नो चेन वहीं से तो ली थी?
अरे वो गाड़ी की एक्सेसरी थोड़ी है, गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गई। पैसे तो हमने बहुत कुछ लिया है वहाँ से, हार्डवेयर के सामान बहुत लिए। और जितेंद्र कह रहे हैं इस बार मैं टायर अलग डलवाऊंगा। हाँ मतलब टायर तो टायर ही होते हैं, साइज थोड़ा चेंज करके देखते हैं। क्या कुछ नहीं, डरे हुए क्यों हो, जाओ डलवाने पड़ेंगे, अब पैसे लगवाने ही पड़ेंगे, कुछ नहीं हो सकता इसके लिए। तो वैसे बोल मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, यही तो एक चीज है जहाँ पैसे खर्च करने का मन करता है ना। बड़ा तगड़ा फटका है ये। फटका है, दो ही चेंज कराने हैं आपने? हाँ तो करवाने तो हैं ही हैं। हमने स्टिकर भी बनवा लिए स्नोमैन क्रिएशंस के। कौन ऐसे वाले सही रहते हैं। मैं कलर एक ही है पर बस दो ही चीजें ली है हमने यहाँ पे। जो बंदा इतना एक्साइटेड था ना उसने कुछ नहीं लिया, और ये सिर्फ जितेंद्र ने लिया अपने लिए। हमेशा तो फायदे में रहता है इसी चक्कर में, तो मैं ऐसे मतलब ले लेता हूँ ना, फिर नखरे नहीं मारता। नहीं जितेंद्र का भी इतना कुछ नहीं है, जितेंद्र ने सिर्फ एक लोअर लिया और मैंने एक लिया है रनर, जो मेरे को ठीक ठीक सा लगा, रेट भी ठीक ही लगा, फिर ले ही लिया बस। बाकी इतना कुछ खास समझ नहीं आया। आउच, मतलब थे सारे ऐसे था, हम आए थे यहाँ किसान भवन में तो सारी ब्रांडेड थी चीज़ें, और उनके ऊपर काफ़ी ऑफ था यार, शूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफ था। मतलब सारे ब्रांडेड शूज़ जो थे वो मिल रहे थे अराउंड 1500 में। एक तो हमें बहुत अच्छे लगे थे, पर उसमें जितेंद्र का साइज ना, वो भी जितेंद्र के अच्छे लगे थे। मैंने एक लोअर उठाया था प्यूमा का, बट वो एक तो समर का था, ऊपर से थोड़ा बहाना लग गया मेरा कि चलो अभी तो यूज में नहीं आएगा तो क्या ही लेना। जाके तो हमने खाने पीने वाली चीजें नोट डाउन करनी, लिखनी है जो ट्रिप पे लेके जानी है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो नहीं छूटनी चाहिए। और उसके इसके बाद वीकेंड कोई नहीं आने वाला है अपना। हाँ क्योंकि नेक्स्ट जो वीकेंड आएगा उस पे हम फुर हो जाएंगे यहाँ से। ये जितेंद्र के फेवरेट लड्डू, मैं इनको दही भल्ला नहीं, मतलब है तो भल्ला ही है, दाल के ही होते हैं, अच्छे से लग रहे हैं। कैसा फ्रेश है देखने में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पत्ते डाले हैं उन्होंने बीच में मूली के, और साथ में मूली। आज इस बंदे ने इतना तमाशा किया है भरी मार्केट में, जेड़ा तो ही मेरा बनाया, ओ नहीं पता था भाभी ये? आपने तो मिस कर दिया, जिसको फिर सेल्समैन बना दिया था। सही बात है यार, जितेंद्र को आज दूसरी बारी किसी लड़की ने सेल, क्योंकि ये रिएक्ट कर देता है ना चीज पे। और इसने तमाशा क्या किया, मतलब ये जैसे ही हमने कुछ खाया, और मतलब वो जो खा रहे थे भले, इसको भेजा उधर डस्टबिन में प्लेटें डालने के लिए, तब तक मैं भूपिंदर अंदर मार्केट में चले गए। मतलब वेले कैसे खड़े हो सकते हैं मार्केट में, ये हमें ढूंढ रहा है। मतलब हम बात ही कर रहे थे अभी कि वहां से कुछ लेंगे, तो मेरे को ये था कि इसकी कॉमन सेंस काम करेगी और ये आ जाएगा। और ये मेरी काम कर गई थी, पर पागल थोड़ी वो चार गलियों में तो मैं ढूंढता फिरूंगा किधर घुस गई। ये बंदा बाहर खड़ा कहता मैं नहीं आता, मैं गाड़ी में चारो, पहली बार इसने फूफड़ वाला रूप दिखाया अपना। मैं इसको मना मना के लाई हूँ और देख भी नहीं रहा, सारी मार्केट में मेरे को ऐसे रहा, मैं जानता इस लड़की को कौन बुला रही है। अभी हमारी पदवी जीजे वाली है, अभी फूफड़ वाली नहीं हुई है। हाँ ये तो है, पर हरकतें फूफड़ वाली है इनकी, फूफड़ जीजा मामा जो भी समझ लो आप। और यार मेरी फूटी किस्मत की मेरे को वो रिंग नहीं मिली, क्योंकि उनका सिस्टम ही नहीं चल रहा। भगवान चाह रहा है कि मैं ना लूं। अब उन्होंने कहा है कि हम होम डिलीवरी करवा देंगे। यहाँ पे ना फ्रंट साइड पे हम मतलब फर्स्ट टाइम ही समझो कि इस मॉल के फ्रंट साइड पे आए हैं, क्योंकि मोस्टली हम सीधा गाड़ी से जाते हैं बेसमेंट में और उसके बाद सीधा ऊपर। और जितेंद्र हम दोनों को यहाँ उतार गए। इधर दिखाओ, मेरे को तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। वो वाला ज्यादा ठीक लग रहा है। मेरे को जैकेट लेनी है पीछे, और देख दोनों ऐसे मेरे को इग्नोर मार रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, ढूंढ के रहे क्या?
नहीं उसमें नहीं मिलेगी जैकेट, वो पिछली बार देखा तो था उसी में ही मिलेगी। नहीं यहाँ लड़कियों के कपड़े नहीं होते जैकेट जोन में, जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक तेरे को पता है। हाँ पूछ आओ, बट आई एम 90% श्योर। मेरे को तो ये ठीक लग रही है। घर आके मैं इसको ट्राई कर रही थी, मेरे को लगा कहीं साइज ना बड़ा हो, पर पूरा पूरा आया है, बिल्कुल इतना इतना सा बाहर है, पर काफी अच्छा लग रहा है। ये सुबह से हम ऐसे ही निकले हुए हैं 5:30 बजे के, और खाया पिया तो है हमने, पर पता नहीं क्यों प्यास सी लगी जा रही है, तो थोड़ा पानी वानी पीते हैं और उसके बाद दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि आप लोगों को शॉपिंग दिखाती हूँ अपनी थोड़ी, मतलब सिर्फ मेरी नहीं है ये, मेरी और भूपिंदर हम दोनों की है, तो फटाफट से दिखाते हैं ये हमने क्या ये तो मैं फालतू ही ले आई हूँ, पर पता नहीं क्यों ऐसे मन था लेने का, बहुत क्यूट लग रहा था, जैसे मैंने ये लगाया ना मेरे को सुनना ऐसे आधा कम हो गया। ये है एक ये वुलन की बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है, जो जितेंद्र ने भी अभी देखी होगी। हाँ ये तो मेरे बिना ली है तुमने। अच्छा सबसे जो हमें क्यूट शॉपिंग लगती है ना करना, वो है मिनीसो से, और मिनीसो से इतनी चीजें ली है ना हमने। ये है आई मास्क, ये पाउच, ये सिर्फ मेरा नहीं है मैं पहले बता दूं, ये मेरा और भूपिंदर दोनों का है। हेडबैंड लिया है, जैसे हम वो यूज करते हैं ना मास्क लगाते हैं कुछ भी, तो ये हेडबैंड है। ये एक कॉम है, कॉम ऐसी ऐसी कंगा दो है, और ये कुछ शीट मास्क है ये भी, और ये भी एक शीट मास्क है। ये वेट वाइप्स हैं, ये क्लचर है मेरा, बाय चांस दोनों एक जैसे आ गए हैं, ये दोनों मेरे हैं। और ये भूपिंदर ने लिए पिंक कलर की कंघी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है यार रेट के अकॉर्डिंग ना। जितेंद्र ने भी लिया है भाई साहब, कुछ तो लिया है 2 लीटर वाला कैन, 2.2 लीटर। हाँ। ये हमने लिया अपनी ट्रैवलिंग के लिए, इसको इसलिए लिया था कि इसे हैंडल पकड़ने में आसान रहेगा। हाँ। और ये मैंने लिया है नेल पॉलिश रिमूवर, इसमें वो वाइप्स होते हैं, ये है इसमें है 30 वाइप्स है इसमें, और कितने का है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 60 रुपीज का है, मतलब 2 रुपए का एक वाइप है। और ये 2 क्यूट से क्लचर है, अगेन क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। और ये एक मैंने हैंड क्रीम ली है, जब आजकल सर्दियों में हाथ ड्राई हो जाते हैं तो ये है, और इसके अलावा अपने पास सिर्फ दिल है इतना बड़ा, तो ये next, है अपना next, next, सारा मिनीसो का सामान, बहुत ही क्यूट सा है। और सबसे महंगा सामान दिखाती हूँ अब मैं, महंगा और सबसे कम, आप समझ ही जाओगे देख के। क्या है जितेंद्र ये, इसमें जितेंद्र बहुत बोर हुए हैं मेरे और भूपिंदर के साथ, हम मेकअप कर करके करवा के देख रहे थे, शेड मैच कर रहे थे। ये हमने के ब्यूटी के फाउंडेशन लिए हैं, एक भूपिंदर का एक मेरा शेड के अकॉर्डिंग। और ये क्या है, ये प्राइमर है, ये प्राइमर है के ब्यूटी का ही, साथ में के ब्यूटी का ब्लशर, के ब्यूटी की नेल पेंट बोल रही हूँ उसको, क्या है ये लिपस्टिक, और ये तो मैंने शार्पनर लिया था जो हमारा लिप लाइनर होता है उसके लिए, और ये है मेरी नेल पेंट, अगेन ये मेरे और भूपिंदर की दोनों की शॉपिंग है। ये हमें थोड़ी महंगी पड़ी है, पर ओह माय गॉड ये है सिर्फ मेरी शॉपिंग। ये जैकेट तो आपने देख ही लिया है, अब सारी शॉपिंग एक तरफ और जैकेट एक तरफ, सही बात है। मतलब इसके लिए हम लोग क्या, मैं यार बहुत ऐसे कंफ्यूज थी कि ऐसे शॉर्ट वाली जैकेट लूँ या लॉन्ग वाली लूँ, रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं पता, ये मेरे को कह रहे थे कि रिक्वायरमेंट क्या है, ले क्यों रही है, बट एक होता ना कई बार रिक्वायरमेंट साइड हो जाती है, थी नहीं रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट साइड हो जाती है, और ऐसा हो गया कि यार पहन के तो यही अच्छी लग रही है, और बाद में ना मैं ऐसे थोड़ा इनसे पूछ रही, इन्होंने मेरे को और खज्जल खवारी कर दी, फिर कहते तू थोड़ा चल के आ, फिर बाद में इनको खुद को ही क्लियर हो गया कि कहते यही वाली जो लॉन्ग वाली थी ना जैकेट वही ली है मैंने, मैंने आई गेस वीडियो में दिखा दी, तो क्यों ही खोलूं अब इसको दोबारा से, पर बहुत प्रिटी है। तो चलो इस व्लॉग को कहते हैं यहीं पे एंड, बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
बाय।